महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से आज सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया सीबीआई होमिसाइड एंगल से जांच कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या जवाब दिया होगा अनिल देशमुख ने? जवाब देना टाल गए वो, उन्होंने कहा कुछ, उस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा 1 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। तो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनिल देशमुख क्या बात करने वाले हैं? क्या कंगना मुद्दे पर, क्या शिवसेना के गुंडागर्दी पर, क्या एनसीबी और सीबीआई को मिले उन सबूतों पर जो महाराष्ट्र सरकार के अंडर आने वाली मुंबई पुलिस को नहीं मिल पाए? मुंबई पुलिस जिसने सुशांत सिंह राजपूत की मौत होते ही 10 मिनट में तय कर दिया कि ये सुसाइड है, बिना सुसाइड नोट के, बिना फॉरेंसिक जाँच के, बिना सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को जाँच किए तुरंत घोषणा कर दी जल्दबाजी में कि ये सुसाइड है, मानो पहले से तय था कि ये सुसाइड है। अगर सिद्धार्थ पिठानी ने फ़ोन करके पुलिस से कहा कि यहाँ पर इन्होंने अपने आप को लटका लिया है, तो ऐसे तो कोई भी फ़ोन के बोले तो क्या पुलिस जांच नहीं करेगी? क्या जो फ़ोन आएगा उसी पर हम डिसाइड करेंगे? या फिर प्लान इससे बहुत बड़ा है, पहले से प्लान था जैसा कि लोग कह रहे हैं? और उसके बाद जब सेंट्रल एजेंसी आई है, वो जांच कर रही है, उसको होमिसाइड एंगल दिख रहा है, तो उस पर महाराष्ट्र सरकार ने चुप्पी लगा रखी है। जब कंगना रनौत बोलती है तो महाराष्ट्र सरकार को मिर्ची लगती है, जब कोई ये बोलता है कि मुंबई पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया तब महाराष्ट्र सरकार को बुरा लगता है, जब उन लोगों की निंदा की जाती है, आलोचना की जाती है, तब उन्हें बुरा लगता है। लेकिन जब सवाल पूछ जाते हैं और जब कड़े सवाल होते हैं तो सवालों का जवाब वो टाल जाते हैं, कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। अनिल देशमुख बाय डिफ़ॉल्ट वो सुबह सुबह शायद वर्कआउट के लिए जाते हैं, अपनी एज के लोगों ने बहुत मेंटेन किया अपने आप को, मैं उनको बहुत सालों से देख रही हूँ। मुझे लगता है 2000 में जब मैं पहली बार एंकर बनी तब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो आज 20 साल हो गए, वो बिल्कुल वैसे ही है फिट। मगर अब सवाल उठने लगे हैं सरकार के फिट होने पर, क्या सरकार फिट है? और आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अनिल देशमुख, बताऊंगी आपको क्या बात कही उन्होंने। लेकिन हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।